इंडस्ट्री का बना था मैं वारिस, काफी जिम्मेदारी दे के गए वालिद, काम का यूएसए को देना वेपन, पर गलत काम को मैं कर देता खारिज। टोनी स्टार्क मुझे समझे या सारे, मेरे जैसे काम यहाँ कोई ना कर पा रहे, नए वेपन को दिखाना था आर्मी को, जेरी को मिसाइल, धरती को वो हिलाही डाले, तभी हुआ मेरे गाड़ी पे अटक, मेरे सीने भय के छर्रे थे कैद, एक रिएक्टर से बची मेरे सीने की जान, वो आतंकवादी चाहे मैं बनूं उनका गुलाम, मुझे मार के करवाना चाहे अपना वो काम, जेरी को मिसाइल चाहे अपने वो नाम, निकलना था मुझे उस गुफा से बाहर, तो शुरू किया मार्क वन बनाने का प्रोग्राम, तब दिन रात मेहनत दिन रात काम, छोटे से आग रिएक्टर से मिला आराम, मिसाइल के बहाने तैयार किया आर्मर, शुरू की लड़ाई फिर आजादी के नाम, मेरे साथ वाले साथी ने खुद की दी कुर्बानी, मुझको सिखाया होती क्या है जिंदगी, मैंने सबको जलाया अपने आप को बचाया, अब शुरू होती टोनी स्टार्क की नई कहानी, फिर शुरू किया आर्मर को करना अपग्रेड, ओबी ने पीठ पीछे खेला था एक गेम, वो बेचता मिसाइल आतंकवादी को, हाँ वो करता आग रिएक्टर छीनने का प्लान, अपने आर्मर से भर सकता ऊंची उड़ान, मैंने गुंडों से था बचाया गांव की जान, पर ओबी ने छल से छीना मेरा रिएक्टर, और आयरन मॉन्गर कर लिया तैयार, पर अपनी लड़ाई में मैं हारने ना वाला, झूठ के आगे सर झुका आने ना वाला, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग वो खुद को बताए, अपने आप को पीछे हटाने ना वाला, जंग के मैदान पे मैं उड़ के था आया, पेपर का मैंने जान भी बचाया, वो लड़ने को मुझसे था काफी बेकरार, मैंने उसको अपना ताकत भी दिखाया, करे बात कम और हाथ चले ज्यादा, मेरे आर्मर से ज्यादा मजबूत था इरादा, मैंने उसको फिर उड़ने का स्वाद भी चखाया, ऊंचाई पे उसके आर्मर को जमाया, फिर हराने के बाद उसे किया प्रेस मीट, वहां सबको बताया need, I'm Iron Man, सारे लोग हुए शॉक, तभी निक फ्यूरी आया मुझको बताने बात। अब तुम कौन? निक फ्यूरी, शील्ड का डायरेक्टर। ओह, मैं यहाँ आया हूँ एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने।